हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विथ लारवाल ब्लॉग प्रोजेक्ट विथ लारवाल 7। तो हमारा जो लारवाल ब्लॉग प्रोजेक्ट है वो लगभग खत्म होने के आसपास है, तो ये फुल प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे जाके आप इस प्रोजेक्ट का सभी वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। और पहले वीडियो में हमने सोशल शेयर बटन यहाँ पे डाला था कि सोशल शेयर बटन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस पार्ट में हम हमारा जो लारवाल बैकअप सिस्टम है उसको हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम सेटअप करेंगे हमारा लारावल ब्लॉक प्रोजेक्ट पे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पैटी लारावल बैकअप पैकेज। तो पहले हम क्या करेंगे हमारा, तो इस वीडियो में हम पहले स्पैटी लारावल बैकअप पैकेज जो है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको कॉन्फिग करेंगे हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो बैकअप फंक्शन है ये हम लारावल टास्क शेड्यूलर पे रजिस्टर करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिकली रन हो एवरी वीक और एवरी डे जो भी आप चाहे। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा जो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हम पहले क्या करेंगे, स्पैटी लारावल बैकअप पैकेज जो है वो उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये गिटहब से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पैटी लारावल बैकअप। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन जो पेज है उसमें हम जाएंगे। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए लारावल बैकअप डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए ये वर्सन 7 है जो लेटेस्ट वर्सन चल रहा है। तो इसके लिए अगर आप रिक्वायरमेंट पे जाएंगे यहाँ पे देखिए ये PHP 8 चाहिए, ठीक है, जो लेटेस्ट जो वर्सन है। और इसका हम पुराना वर्सन यूज़ करेंगे वर्सन 6। ओके, तो ये इसका जो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, तो इसमें देखिए PHP 7.3। ओके, तो हमारा जो होस्टिंग घर पे जो सियाड होस्टिंग है वो PHP 7.4 पे है, तो इसलिए हम ये पैकेज यूज़ करेंगे। देखिए लारावल 6 और हायर, तो हम लारावल 7 पे काम कर रहे हैं जो कि PHP 7.4 पे चलता है। तो इसके लिए चलते हैं इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। तो यहाँ पे ये कमांड आपको रन करना होगा। तो ये कमांड अगर आप रन करेंगे तो आपका जो PHP वर्सन है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो लारावल बैकअप पैकेज का जो वर्सन है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे @ वर्सन 6 इस तरह का कुछ देने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और VS Code पे चलते हैं। और पैकेज इंस्टॉल करने से पहले हमको क्या करना होगा, हमारा जो रनिंग ऐप है उसमें यहाँ पे क्लोज करना होगा। ओके, और जाके यहाँ इस टर्मिनल पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 6.14 है स्पैटी लारावल बैकअप पैकेज। ओके, तो इसमें फैटल एरर आ रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपोजर मेमोरी लिमिट -1 पेर कंपोजर रिक्वायर। ओके, तो इससे क्या होगा, ये एरर नहीं आएगा। ओके, तो इंस्टॉलेशन के बाद हमको ये कमांड रन करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फ़िग जो फाइल है वो हमारा जो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसमें आ जाएगा। ओके, तो backup.php के नाम से एक फाइल जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग backup.php एक फाइल न्यू जनरेट हुआ है, इधर में आप देख सकते हैं backup.php। तो इसको क्लोज करते हैं, हमारा जो ऐप है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो देन backup.php फाइल पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए, तो पहले होगा बैकअप जो फोल्डर है उसका नाम, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट ऐप नेम है उसके हिसाब से ही आएगा। फिर देखिए फाइल्स, तो कौन सा फाइल्स आप यहाँ पे बैकअप लेना चाह रहे हैं। तो देखिए इंक्लूड में यहाँ पे है बेस पाथ, तो बेस पाथ का मतलब है सारा जो फाइल है यहाँ पे है सभी फाइल एक्चुअली बैकअप होगा, मतलब पूरा का पूरा जो ऐप है वो यहाँ पे बैकअप होगा। ओके, तो एक्सक्लूड फाइल, तो एक्सक्लूड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए वेंडर जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वेंडर फाइल है उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास composer.json है तो अगर composer आप अपडेट यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेंडर फाइल है उसमें आपका जो लेटेस्ट लाइब्रेरी है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर हमको नोड मॉड्यूल्स भी नहीं चाहिए। ओके, फॉलो लिंक्स। ओके, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सिम लिंक्स है, पब्लिक फोल्डर पे जो सिम लिंक है, तो वो आप यहाँ पे मतलब फॉलोड करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो ये फॉल्स है, तो इसको आप ट्रू भी कर सकते हैं या फिर फॉल्स। तो अभी के लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। ओके, फिर आके नीचे आते हैं, तो नीचे आके यहाँ पे आपको सेटअप करना होगा आपका कौन सा डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो MySQL में यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे दिया है MySQL, फिर ये डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आइए। ओके, तो डिस्क, तो डिस्क का मतलब है यहाँ पे देखिए लोकल, लोकल मतलब ये जो हमारा जो लोकल जो स्टोरेज फोल्डर है, स्टोरेज उसके बाद ऐप, और इस फोल्डर पे हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ओके,
टेम्पोरली डायरेक्टरी देखिए स्टोरेज पाथ ऐप बैकअप टेम्प। तो इस फोल्डर में ये टेम्पोरली के लिए आपका जो बैकअप है, जब बैकअप लेगा तो ये टेम्पोरली फाइल फोल्डर जो है वो ऐप बैकअप टेम्प ये यूज़ करेगा। ओके, और यहाँ पे जो डिस्क है वो लोकल है, मतलब यहाँ पे स्टोरेज फोल्डर पे आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप गूगल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गूगल ड्राइव के लिए जो पार्ट है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे लोकल यूज़ करते हैं। तो लोकल हुआ, टेम्पोरल डायरेक्टरी हो गया। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन क्या होता है, जब आपका जो बैकअप होता है तो बैकअप ख़त्म होने के बाद जो लैरावल जो ऐप है वो आपको मेल के ज़रिए एक नोटिफिकेशन भेजता है कि बैकअप सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं। तो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे मेल यूज़ हो रहा है, तो मेल के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। तो नोटिफिकेशन पे देखिए, मेल पे देखिए 2, तो यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो ईमेल आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे मैं मेरा ईमेल दे देता हूँ। फिर हुआ फ्रॉम नेम, वो हमारा जो मेल एड्रेस होगा ऐप का, उसके ज़रिए ये फॉर्म देगा। फिर स्लैक, तो जो कि हम यहाँ पे स्लैक यूज़ नहीं कर रहे तो इसको छोड़ देते हैं, हम मेल ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर हुआ यहाँ पे देखिए मॉनिटर बैकअप। तो ये बैकअप क्या होगा, मॉनिटर भी कर सकते हैं आपका जो बैकअप है। ओके, फिर होता है क्लीन अप। ओके, तो क्लीन अप मतलब आपका जो पुराना बैकअप है वो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। तो ये इसमें देखिए जो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है, तो इसमें देखिए कीप ऑल बैकअप्स फॉर डेज। ओके, तो ये सारा जो बैकअप्स है वो 7 डेज के लिए रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट। और ये बाय डिफॉल्ट आपका जो लेटेस्ट बैकअप है वो किसी भी कीमत पे डिलीट नहीं करेगा। ओके, आपका जो लेटेस्ट बैकअप है। तो देन यहाँ पे आया कीप डेली बैकअप्स फॉर डेज। तो ग्रैंडफादर फादर सन का जो स्कीमा है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा ग्रैंडफादर फादर सन स्कीमा। तो जो आपका डेली बैकअप होता है वो होता है सन बैकअप। तो यहाँ पे जो येलो लाइन है ये एक वीक के लिए होता है। तो वीक का जो एंड का जो वीकेंड का जो टाइम है उस समय जो आप बैकअप लेते हैं उसको बोलते हैं फादर बैकअप। ओके, तो फादर बैकअप में ये तो ये होता है फादर बैकअप। तो ये क्लीन अप के लिए ग्रैंडफादर फादर सन जो स्कीम होता है वो स्ट्रेटजी यूज़ करता है डिफॉल्ट। तो इसमें देखिए डिफॉल्ट जो स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी में कीप ऑल बैकअप्स फॉर डेज। तो सारा जो बैकअप्स होगा, जितने भी आप बैकअप लेंगे, नया बैकअप लेंगे, वो 7 डेज के लिए रिटेन होगा। फिर उसके बाद आपका जो डेली बैकअप्स होगा, ठीक है, तो ये ग्लोबल एक आप कॉन्स्टेंट दे देते हैं कि 7 दिन के लिए एक बैकअप रिटेन होगा। ओके, तो डेली बैकअप्स जो है यहाँ पे देखिए 16 डेज के लिए। तो आप जो डेली बैकअप्स लेते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे 16 डेज के लिए रिटेन होगा। तो इसको आप यहाँ पे 7 कर सकते हैं, मैं कर लूँगा यहाँ पे 7। फिर आता है वीकली बैकअप्स। तो वीकली बैकअप्स मतलब आप जो डेली बैकअप्स लेते हैं या फिर आपका वीक में जो एक बैकअप होता है, मतलब वीकेंड में, सपोज आप वीकेंड में एक बैकअप लेते हैं, तो वो बैकअप वीकली बैकअप हिसाब से जाना जाएगा। और वो बैकअप कितना वीक्स रिटेन करेगा, यहाँ पे देखिए 8 वीक्स दिया है, तो मैं इसको आप 8 वीक्स मतलब 2 महीने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको 4 वीक्स कर लूँगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ विच वन मंथली बैकअप मस्ट बी कीप। ओके, तो मंथली जो आपका जो बैकअप है सेम टू सेम, तो मंथली बैकअप यहाँ पे क्या होता है, तो मंथली बैकअप पे यहाँ पे देखिए 4 मंथ्स के लिए रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट 3 मंथ का जो मंथली बैकअप होगा वो यहाँ पे रिटर्न करूँगा। ओके, तो ये 1 महीना का, मतलब 1 महीना के हिसाब से चल रहा है। और इसमें देखिए ईयरली बैकअप, तो ये 2 ईयर्स के लिए है, तो इसको छोड़ देते हैं जैसा है वैसा ही। और फिर देखिए अगर इस तरह का स्कीम से आपका जो स्टोरेज है वो अगर आप भर जाए तो आपका जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक और ऑप्शन है। तो बैकअप लेते लेते आपका जो बैकअप फोल्डर है वो अगर इसका जो लिमिट है, ये MB के हिसाब से, तो इसका जो लिमिट है इससे अगर एक्सटेंड हुआ तो जितना भी ओल्ड बैकअप होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये 5 GB के हिसाब से दिया है, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको 500 MB कर सकता हूँ लाइक, या फिर 400 MB। ओके, तो 400 MB मैं बैकअप के लिए यूज़ करूँगा। तो 400 MB से जब भी ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब भी ये लाइक 400 MB से 450 MB चला जाएगा, तो इसका जो पुराना जो बैकअप है वो डिलीट कर, वो यहाँ पे वो डिलीट कर देगा अंटिल इसका जो फोल्डर है, फोल्डर साइज है, वो 400 MB के आसपास ना हो जाए। ओके, तो नेवर एक्सीड देन 4000 MB। तो ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे। तो टर्मिनल पे यहाँ पे देखिए, तो डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे देखिए टेकिंग बैकअप्स। ओके, तो टेकिंग बैकअप्स पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद देखिए ये रहा हमारा कमेंट। तो बैकअप लेने के लिए हमको ये कमेंट रन करना होगा, PHP artisan backup run, ओके। तो अगर आप सेव ओनली डिस्क, आपका जो डिस्क का जो सेव बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली डिस्क कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली बैकअप कर सकते हैं, ओनली DB कर सकते हैं, ओके ओके। तो इसको आप कॉन्फ़िगर जो फाइल है उसमें भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप ऊपर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो इंक्लूड पाथ है इसको अगर आप यहाँ पे कमेंट कर देंगे तो सिर्फ आपका जो डेटाबेस है उसका सिर्फ बैकअप लिया जाएगा, आपका जो ऐप है वो बैकअप नहीं लिया जाएगा। तो इसको अनकमेंट कर देंगे तो ये आप ऐप का भी बैकअप लेगा और आपका डेटाबेस का भी बैकअप लेगा, ओके। तो हम चाहते हैं सभी जो हमारा डेटाबेस और ऐप दोनों चीज़ का ही बैकअप लिया जाए। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा जो ऐप और जो डेटाबेस है दोनों चीज़ का ही हम बैकअप लेना चाहते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे और हमारा ऐप पे आते हैं टर्मिनल, तो टर्मिनल पे जाके ये पेस्ट कर देंगे और इसको रन करते हैं, ओके देखते हैं क्या होता है। तो रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक MySQL डंप एरर आ रहा है। तो ये जब आप शेयर्ड होस्टिंगर पे चलाएंगे यहाँ पर आपका जो सर्वर है उसमें चलाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए जो MySQL डंप जो फंक्शन है वो आपका जो MySQL डाटाबेस है उसमें इनेबल होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ओके। तो इसको लोकल जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसमें ये सॉल्यूशन करने के लिए आपको कॉन्फिग पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए डेटाबेस, ओके। तो डेटाबेस पे आके आपको यहाँ पे जो आप MySQL ड्राइवर जो MySQL यूज़ कर रहा हूँ तो MySQL पे जाके यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना होगा, ओके। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और ये लाइन ऐड करेंगे तो इसमें क्या होता है MySQL का जो जो फाइल है उसको यहाँ पे आपका जो पाथ है उसको यहाँ पे ये डालना होगा, रजिस्टर करना होगा, ओके। तो ये जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। और वो कमेंट फिर से चलाते हैं PHP artisan backup run, ओके। तो यहाँ पे देखिए बैकअप कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो बैकअप फाइल का साइज़ है वो 41 MB है, ओके। तो ये टोटल 4018 जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है उसको ये बैकअप लिया है, ओके। और ये बैकअप फाइल कहाँ पे सेव होता है तो आप हम जाएंगे स्टोरेज में, तो स्टोरेज उसके बाद ऐप, फिर देखिए हमारा जो ऐप का नाम है MyIoT Lab, तो इसमें जाके हम ये देखिए रहा zip, तो इस फोल्डर पे तो जो हमारा जो ऐप है वो ऐप यहाँ पे बैकअप हो चुका है और बैकअप टेम्प खाली है, सिर्फ ये टेम्पोरली के लिए है, जब ये बैकअप लेता है तो ये टेम्पोरली जो फाइल है तो इस फोल्डर में वो सेव रखता है। तो इस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन इन रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें जाते हैं, ओके। तो देखिए ये रहा हमारा DB डम्स, तो ये देखिए ये रहा हमारा MySQL का जो डेटाबेस है तो उसका डम्प फाइल है, तो ये SQL फॉर्मेट में है, ओके। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए DB डम्प पे हमारा जो MySQL का जो ये डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो डंप हो चुका है। उसके बाद ये रहा हमारा मेन जो फाइल, इसमें देखें माय ऐप, यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे एक्चुअली बैकअप हो चुका है। तो स्टोरेज में जाएंगे तो स्टोरेज में देखिए हमारा जो पब्लिक पे जितना भी हमारा देखिए पोस्ट का जो इमेज है, ओके, यूज़र का जो इमेज है वो सभी यहाँ पे बैकअप हो चुका है। तो इस तरह से ये बैकअप होता है, देखिए कैटेगरी पे भी सेम टू सेम है, ओके। और ये बैकअप लेने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन भी भेजता है, तो मेल ट्रैप आयो पे मेरा जो ईमेल है वो यहाँ पे सेटअप है, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल न्यू बैकअप ऑफ MyIoT Lab, तो इसमें जाके ओपन करते हैं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन से जरिए आपको ये मेल भी कर देगा कि आपका जो बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए न्यू बैकअप साइज इज 41 MB, डिस्क है लोकल, तो ये लोकल डिस्क में ही एक्चुअली सेव कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ बैकअप्स और कितना स्टोरेज यूज़ किया है, ओके। तो न्यूज़ बैकअप्स, आपका बैकअप का टाइम और बैकअप ओल्डेस्ट बैकअप, ओके। तो अगर हम फिर से एक बार बैकअप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो एक बार फिर से करते हैं, ओके। तो हमारा बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखें फिर से एक zip फाइल यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फोल्डर पे जाएंगे तो ये जो नया वाला zip है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं, तो सेम टू सेम ही है DB dumps और उसके बाद डेटाबेस, और इसमें जाके अगर आप ओपन करके जो हमारा जो स्टोरेज फोल्डर है तो स्टोरेज फोल्डर पे ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो यहाँ पे जिस फोल्डर पे बैकअप होता है वो फोल्डर एक्चुअली यहाँ पे वो दोबारा बैकअप नहीं करता, ओके। तो ये इसको एक्सक्लूड कर देता है,
वही दिखाने के लिए ये कर रहे थे। तो ये इसमें देखिए 42 मेगाबाइट। तो इसे बैकअप लेते लेते जब भी आपका जो फोल्डर का जो साइज़ है वो जब भी 400 मेगाबाइट से एक्सटेंड कर लेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओल्डर बैकअप से ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा 40 मेगाबाइट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्फिग फाइल है बैकअप का, तो उसमें जाते हैं और यहाँ पे देखिए 400 मेगाबाइट है, तो इसको 100 मेगाबाइट कर देते हैं। ओके, तो इसको सेव कर देंगे और फिर से एक बार बैकअप रन कराएंगे, तो देखते हैं ये पुराना जो बैकअप है वो बैकअप डिलीट करता है या फिर नहीं। ओके, तो बैकअप एक रन कर देते हैं। ओके, तो हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जाते हैं और इस फोल्डर का जो साइज़ है वो यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें देखिए 176 MB। ओके, तो अभी बैकअप क्लीन करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग अप ओल्ड बैकअप्स, तो इसमें क्लिक करते हैं। तो बैकअप क्लीन करने के लिए हमको ये कमांड रन करना होगा, तो PHP artisan backup clean। ओके, तो इसमें जाते हैं और हमारा जो फाइल है उसका जो मेमोरी है वो 176 है, तो इसमें जाके बैकअप PHP artisan backup clean रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, क्लीनिंग बैकअप्स ऑफ मायोटी लैब ऑन डिक्स लोकल। हमारा जो यहाँ पे मेल ट्रैप है तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल न्यू बैकअप, 2-3 बैकअप लिए थे तो 3 यहाँ पे ईमेल आ चुका है और देखिए 3 बैकअप है। टोटल स्टोरेज है 123 MB। ये अलग से दिखा रहा है क्योंकि ये लोकल डिस्क पे अलग दिखाएगा और यहाँ पे अलग दिखाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मेल आ चुका है, क्लीनिंग अप मायोरिटी बैकअप्स सक्सेसफुल। इसमें जाते हैं तो देखिए द क्लीनिंग अप मायोरिटी लैब बैकअप फ्रॉम डिस्क नेम लोकल वॉज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखिए बैकअप, न्यूएस्ट बैकअप इज 41 मेगाबाइट, नंबर ऑफ बैकअप्स 2, ठीक है, टोटल स्टोरेज है 82 मेगाबाइट। ओके, तो ये जो 3 बैकअप हमने लिए थे तो उसमें से एक बैकअप को ये डिलीट कर चुका है। ओके, ये एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फाइल है। तो यहाँ पे हमारा 3 GB फाइल था, तो उसमें जो कि वो 100 MB एक्सीड कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो फाइल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट कर चुका है। ओके, तो इसी तरह से आप बैकअप क्लीन कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं। तो ये जो कमांड है, ये कमांड हम क्या करेंगे, हमारा जो टास्क शेड्यूलर जो है लारावेल का, तो उसमें हम ये सेटअप कर सकते हैं ताकि ये वीकली और डेली जो भी है आप यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली एक क्रॉन के ज़रिए, जो आप जब आप सर्वर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप क्रॉन जॉब यूज़ कर सकते हैं, अगर आप VPS यूज़ करते हैं तो लिनक्स, तो उसमें आपको सुपरवाइज़र यूज़ करना होगा। तो हमारा जो शेयर्ड होस्टिंग है उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉन यूज़ करेंगे, तो क्रॉन पे जाके हमारा जो टास्क शेड्यूलर है उसको हम यहाँ पे लिंक कर देंगे ताकि ये जो कमेंट जो हमने 2 कमेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो। तो टास्क शेड्यूलर पे ये कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। इसमें ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें देखिए डिलीट मेगाबाइट, तो इसको हम कर देते हैं लाइक 400 सेव। तो टास्क शेड्यूलर पे ये ऐड करने के लिए आपको जाना होगा ऐप, उसके बाद कंसोल, ओके, फिर उसके बाद कर्नल, नॉट HTTP कर्नल, ओके, ऐप कंसोल कर्नल। तो कंसोल कर्नल पे आते हैं और यहाँ पे देखिए पहला है कमेंट्स, उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट फंक्शन शेड्यूल, तो इसमें आपको आपका जो कमेंट है वो यहाँ पे डालना होगा। ओके, तो इसमें देखिए पहले से एक कमेंट डाला हुआ है, तो इसको जाते हैं और यहाँ पे देखिए कमेंट है इंस्पायर। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको पूरा लाइक PHP आर्टिसन, ये आर्टिसन बैकअप रन, तो आपको ये पूरा कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये PHP आर्टिसन ऑटोमेटिकली लगा देगा, सिर्फ आपको ये बैकअप रन जो है इसको आपको यहाँ पे रन करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको दे देते हैं एवरी मिनट। ओके ओके, तो एवरी मिनट, और इसको अभी के लिए दे देते हैं एवरी 10 मिनट्स और 5 मिनट्स, ओके, जो भी है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये PHP आर्टिसन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बैकअप रन होगा। तो बैकअप रन करने से पहले आपको बैकअप क्लीन करते हैं, तो क्लीन करने के लिए हम सेम टू सेम यूज़ करेंगे बैकअप क्लीन, तो इसको भी एवरी 10 मिनट्स कर देते हैं। ओके, बैकअप क्लीन, तो ये बैकअप क्लीन है।
तो इसमें क्या होगा, एक शेड्यूलर पे एवरी 10 मिनट्स रन होगा, आपका जो बैकअप है वो क्लीन, पहले ये क्लीन करेगा। तो क्लीन के लिए ये कौन सा रूल यूज़ करेगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी रूल है वो यूज़ करेगा। और सेव ये देखिए 400 मेगाबाइट्स से अगर ये एक्सीड करेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा जो भी ये रूल है। तो यहाँ पे देखिए पहले बैकअप क्लीन रन करते हैं, फिर उसके बाद बैकअप रन करते हैं, फिर उसके बाद हम बैकअप लेंगे। ओके, तो हमारा जो शेड्यूलर है इसको यहाँ पे रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, PHP आर्टिसन शेड्यूल रन। ओके, तो रन करते हैं। तो देखिए रनिंग शेड्यूल कमांड इंस्पायर, फिर उसके बाद बैकअप क्लीन। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले ये क्लीन करेगा, चेक करेगा कि कोई बैकअप है, जो आपका जो मेमोरी लिमिट है, जो जितना भी यहाँ पे रूल है वो रूल यहाँ पे वो चेक करेगा। ओके, और लास्ट में चेक करेगा कि आपका जो बैकअप फोल्डर है वो 400 मेगाबाइट से एक्सीड ना हो। ओके, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, बैकअप क्लीन के बाद ये बैकअप रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैकअप ये रन कर रहा है अभी। ओके, तो देखिए पहले ये पहला जो कमांड है वो रन किया इंस्पायर, उसके बाद बैकअप क्लीन किया, फिर उसके बाद बैकअप रन किया, फिर इसके बाद ये ख़त्म होता है। तो ये जो कमांड है ये आपका जो जब सियाड होस्टिंग पे, होस्टिंगर पे आप जब होस्ट करते हैं तो इसको आप एक क्रॉन जॉब के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ताकि एवरी मिनट और एवरी आवरली जो भी आपको चले और ये कमांड जो है वो रन करे। ओके, तो जो कि पहला जो आपका जो कमांड है वो कमांड देखिए एवरी मिनट है, लेकिन ये कमांड देखिए 10 मिनट्स है। तो अभी मैं अगर PHP आर्टिसन शेड्यूल रन करूँगा तो ये बाकी जो दो कमांड है वो नहीं चलेगा। ओके, तो देखिए बाकी जो दो कमांड है वो नहीं चला क्योंकि ये एवरी 10 मिनट्स है। तो इस तरह से अगर आपका जो शेयर्ड होस्टिंग जो आपका जो सर्विस है वो आपको क्रॉन 2 या 3 ही अलाउ करता है, तो आप एक क्रॉन से शेड्यूल को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपका बाकी का जो कमांड है वो यहाँ पे एक्चुअली डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मोर देन 2 या फिर 3 जितना भी आपका जो कमांड है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो PHP आर्टिसन जो इंस्पायर है, तो इस कमांड को पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। PHP आर्टिसन इंस्पायर, ओके, तो इससे क्या होगा, आपका कुछ कोड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होगा आपका जो कमांड लाइन है। तो इसी तरह से आपका जो बैकअप सिस्टम है वो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए शेड्यूल पे ये सेटअप कर लिया और हमारा जो बैकअप कॉन्फिग फाइल है उसमें भी हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। तो इसको आप गूगल ड्राइव के साथ सेटअप कर सकते हैं क्योंकि गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB ड्राइव स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे आप ये जो बैकअप से वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक करके डाल सकते हैं। तो वो एक दूसरा एक वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो इसका सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो बैकअप है वो हम हमारा जो गूगल ड्राइव है उसमें हम सेटअप करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर करने जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सेकेंड पार्ट पे आपका जो ये जो ड्राइव सिस्टम है, बैकअप है, ये बैकअप हम गूगल ड्राइव पे हमारा स्टोर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद इसको हम शेयर्ड होस्टिंगर पे होस्ट करते हैं और प्रोजेक्ट को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। फिर आगे जाके अगर आप कुछ नया फीचर्स इसमें डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा जो बैकअप सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसको, इसका जो बैकअप फाइल है इसको आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। वो हम इसका दूसरा पार्ट पे देखेंगे कि कैसे हम ये जो बैकअप है ये हम अभी के लिए लोकल जो हमारा जो सर्वर का जो मेमोरी है उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम ये गूगल ड्राइव पे कैसे ये सेटअप करते हैं वो हम इसका दूसरा पार्ट में देखेंगे और फिर जाके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे होस्टिंग घर पे होस्ट करेंगे और देखेंगे कि शेयर्ड होस्टिंग घर पे आप जो लैरावल जो ऐप है उसको कैसे वहाँ पे सेटअप करते हैं। वहाँ पे हम क्यू जॉब सेटअप करेंगे, क्रॉन जॉब सेटअप करेंगे और हमारा जो ईमेल और सोशल लॉगिन है उसको भी वहाँ पे सेटअप करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं और दूसरा पार्ट में मिलते हैं। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूंगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।